दोस्तों, क्या आप भी सेल्स 20% क्लब में शामिल होना चाहते हैं? क्या आप भी सेल्स सुपरस्टार बनना चाहते हैं? दोस्तों, मेरा नाम है राकेश शर्मा और मैं एंटरप्रेन्योर्स एंड सेल्स पीपल को उनका बिजनेस ग्रोथ कराने और प्रॉफिट मैक्सिमाइज कराने के लिए एम्पावर करता हूं। पिछले 10 साल से लगातार मैं अनेकों बिजनेसेस में उनके सेल्स पर्सन, सीईओज और सीनियर टीम मेंबर्स को कोचिंग दे रहा हूं और मैंने पाया कि हमारे अनेकों क्लाइंट्स ने इस दौरान अपने बिजनेस में 2 गुनी, 3 गुनी और कईयों ने तो इवन 4 गुनी तक तरक्की की है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप सेल्स सुपरस्टार होना चाहते हैं? क्या आप 20% सेल्स क्लब में शामिल होना चाहते हैं? क्या कहा, ये 20% सेल्स क्लब क्या है? जी हाँ, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, ये पाया गया है कि हर कंपनी में लगभग 20% सेल्स पीपल ही 80% सेल्स करते हैं और ये 20% सेल्स पीपल ही 80% से ज्यादा कमीशन प्राप्त करते हैं और यही वो लोग हैं जो सुपर रिच हैं। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या आप ऑलरेडी इस क्लब में शामिल हैं या आप इस सेल्स क्लब में शामिल होना चाहते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए एक 8 C's का फॉर्मूला है। ये 8 C कौन कौन से हैं वो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आप भी इस 20% सेल्स क्लब में शामिल हो सकते हैं। और इसलिए दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो दोस्तों, पहला सी है क्लैरिटी। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको इस बात की बहुत अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप सेल्स क्यों कर रहे हैं, आप सेल्स प्रोफेशन में क्यों हैं। मेरा ये अनुभव है कि सेल्स में बहुत सारे वो लोग होते हैं जिनको और कहीं जॉब नहीं मिलता, तो अंत में हार थक करके वो लोग सेल्स में आ जाते हैं। क्या आप भी उसी श्रेणी में हैं? अगर हैं तो भी ठीक है और अगर नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, सेल्स इज वन ऑफ द नोबलेस्ट प्रोफेशन ऑन द अर्थ। बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है दोस्तों, इसी की वजह से इस समाज में तरक्की होती है, इसी की वजह से लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप सेल्स में किस वजह से हैं। तो नंबर 2 है कन्विक्शन। आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में बहुत सी बातें कहता है और अक्सर ये कहता है कि किस तरीके से आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। क्या आप अपने प्रोडक्ट में विश्वास करते हैं? क्या आप इस बारे में पूरी तरह से विश्वस्त हैं कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर के लिए बिल्कुल उचित है? क्या आप इस बारे में आश्वस्त हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट खराब होता है तो आपकी कंपनी उसकी भरपाई के लिए कस्टमर को एक अच्छी सर्विस दे सकती है? अगर हैं तभी आप अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे और आप सेल्स सुपरस्टार्स की कैटेगरी में खड़े हो पाएंगे। नंबर 3 है करेज। जी हां, फॉर अ सेल्स सुपरस्टार करेजियस होना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि अक्सर आपको ना सुनना पड़ता है, अक्सर आपको एक छोटे से कॉल के लिए भी इंतजार करना पड़ता है और साथ ही दोस्तों, बहुत बार आपको कई बार फॉलोअप करने के बावजूद भी फाइनली ना सुनना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जरूरी है कि आप हिम्मत जुटाएं और अपने लिए बड़े टारगेट सेट करें। बड़े टारगेट सेट करें न केवल सेल्स प्राप्त करने के बल्कि एक्टिविटी भी अधिक करने के। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि आप करेजियस बने। नंबर 4 पर आता है कमिटमेंट, यानी कि आप अपने प्रोफेशन के प्रति और साथ ही अपनी बात के प्रति पूरी तरह से कमिटेड हो, समय के प्रति कमिटेड हो, डिलीवरी के प्रति कमिटेड हो और क्वालिटी के प्रति कमिटेड हो, तभी आप जाकर के सुपरस्टार्स की कैटेगरी में खड़े हो पाएंगे और 20% क्लब का मेंबर बन पाएंगे। तो 5वां सी है कंसिस्टेंसी, यानी कि आपको अपने काम में कंसिस्टेंट रहना है। सेल्स सुपरस्टार्स अपने काम में कंसिस्टेंट रहते हैं, वो ऐसा कभी नहीं करते कि किसी कॉल को शुरू किया और बीच में ही छोड़ देते हैं। दे एंश्योर कि जब तक ऑर्डर उनके हाथ में नहीं आ जाता तब तक वो उसको लगातार फॉलोअप करते रहते हैं। दोस्तों, 6ठा सी है कॉम्पिटेंस। जी हां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल्स सुपरस्टार कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, बल्कि ये लोग लगातार अपनी कॉम्पिटेंस को बढ़ाते रहते हैं। सेल्स में सबसे महत्वपूर्ण है कस्टमर का विश्वास जगाना और उसके लिए कस्टमर की साइकोलॉजी को समझना बहुत ही आवश्यक है। और साइकोलॉजी, क्योंकि हर किसी की कहीं ना कहीं पर डिफरेंट होती है, तो इसलिए सेल्स पीपल आर हाईली हाईली कॉम्पिटेंट और अपनी कॉम्पिटेंसी को वो लगातार बढ़ाते जाते हैं। 7th C है कंसिस्टेंसी,
कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सेल्स का आधार है। पर्सुएसिव कम्युनिकेशन के बगैर आप सेल्स कर ही नहीं सकते। तो ये जो सेल्स सुपरस्टार्स होते हैं वो अपने कम्युनिकेशन के ऊपर लगातार काम करते रहते हैं और लगातार नए नए कम्युनिकेशन के तरीके ढूंढते रहते हैं। और आठवां और अंतिम सी है क्रिएटिविटी। दोस्तों जब आप ह्यूमन बींग से डील करते हैं, जो कि हर एक सेल्स सुपरस्टार को करना ही पड़ता है, तो आप पता लगाएंगे कि हर एक आदमी के इमोशंस, उनके मूड्स हर समय चेंज होते रहते हैं। तो एक फॉर्मूला जब एक व्यक्ति के ऊपर अप्लाई होता है तो ये जरूरी नहीं है कि सेम तरीका दूसरे किसी आदमी के ऊपर अप्लाई हो। तो इसलिए सेल्स के लोगों को बार बार बहुत ही क्रिएटिव होना पड़ता है और हर बार एक नया तरीका सोचना पड़ता है कि एक परिस्थिति से कैसे उभरें। तो दोस्तों क्रिएटिविटी सेल्स सुपरस्टार्स के लिए सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों हमारा यह मिशन है कि आने वाले 3 सालों में हम 1,00,000 सेल्स के लोगों को और एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस एजुकेशन देकर एम्पावर करें, जिससे कि वो अपने बिजनेस को मनचाही तरक्की दे सकें। दोस्तों इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक सेल्स और एंटरप्रेन्योर्स में शेयर करें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें।